लेकिन उस साथ बजने को है यानी वक्त है भाई वर्सेस भाई का। जी हाँ, वो दोनों भाई जो ग्राउंड पर गए, जिन्होंने क्लोजली तस्वीर देखी, स्थिति का जायजा लिया और इस बड़ी तस्वीर पर दोनों भाइयों की पहली नजर। मेरे साथ दोनों पूनावाला ब्रदर्स हैं इस समय साथ। पहले तहसीन को बुलाना चाहती हूँ। तहसीन, खुश तो होंगे आज आप बहुत, क्योंकि आज राम आए, आपके काम ईवीएम का काम नहीं हुआ तमाम। ये ना कि हमारी किस्मत के मिसाले यार होता और जीते रहते, यही इंतजार होता भाजपा के वादे पर जिए जे जाना झूठ जाना कि आवामी ने जीते ना जिताना देती अगर भाजपा पे भरोसा होता। शहजाद, कहाँ है आप? जब तक मंदिर की तारीख नहीं बताएंगे 2019 में कैसे आएंगे आप? आदित्य जी, जब हम लोग हारते हैं तब हम लोगों की एक हमेशा एक चीज होती है, मैं आपको क्रॉस करते हुए अपने भाई से हाथ मिलाऊंगा, क्योंकि लोकतंत्र का तकाजा होता है कि जीत हो या हार हो हम एक दूसरे का सम्मान करें, और शायद अगर अगली बार जब ये हारे तो ईवीएम को दोष ना दे और लोकतंत्र को माने तो ये अच्छी बात है। तो हमारे साथ टीम शहजाद और टीम तहसीन दोनों तैयार हैं। जल्दी से आपको इस वक्त के साथ बड़े पॉइंट्स हम बता देते हैं, हम क्यों आपके लिए ये बड़ी खबरें लेकर आए हैं, तफसील से आपको जल्दी से दिखा देते हैं बड़े बड़े पॉइंट्स। और आपको ये भी बता दूं हमारे साथ ओवैसी साहब भी जुड़ेंगे बहुत जल्द ही। तो कौन सी वो सात बड़ी बातें रही हैं? मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत मिला तो कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे, ये बड़ी बात है। हालांकि इस समय कांटे की टक्कर वहां पर देखने को मिल रही है। आपको साथ ही ये भी बता दें कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुला ली गई है कल दोपहर राजस्थान में, यहाँ पर गहलोत साहब और पायलट दोनों के बीच में रेस है। जयपुर पहुंचे हैं कांग्रेस के पर्यवेक्षकों की, गहलोत और पायलट से मुलाकात हुई है, ये वहां पर राइवलरी देखने को मिल रही है। साथ ही छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और हार की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली है। तेलंगाना में कांग्रेस की हार पर ओवैसी ने कहा जनता ने राहुल को सबक सिखाया है, शायद वो ये तेलंगाना के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। खैर, उनसे जुड़ेंगे तो और क्लैरिटी हासिल करेंगे। 2019 के चुनाव में गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी सरकार बनाने के लिए केसीआर के साथ, ये बड़ी बात वो कह रहे हैं यहाँ पर। और बीजेपी की हार पर ममता बनर्जी का भी बयान आया है, समाज के सभी तबके बीजेपी के खिलाफ हैं। और यहां पर मैं आपको बता दूं ओवैसी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। सर, आपसे मैं जानना चाह रही हूं यहां पर कि ओवैसी साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, गुड इवनिंग। और पहला सवाल, ये बड़ी तस्वीर सर, आपके दो बयान अभी मैंने दिखाए हमारे दर्शकों को, एक तो ये राहुल गांधी को सबक सिखाया गया और गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी गठबंधन की आप बात कर रहे हैं सर, तफसील से बताइए आपका रिएक्शन। नहीं, तेलंगाना में जहां जहां राहुल गांधी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कैंपेन किया वहां पर कांग्रेस को और बीजेपी को शिकस्त हुई। अफसोस तो यह है कि इन कांग्रेस के लोगों ने मोहतरमा सोनिया गांधी की भी परवाह नहीं की और मिर्चल को लेकर गए, वहाँ पर 80,000 से इनका कैंडिडेट हार गया। तो और जब ये जो इलेक्शन कैंपेन बड़ा बिटर था और पर्सनल अटैक किए गए, झूठ की भरमार लगा दी गई कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने यहाँ तक कह दिया कि केसीआर बी टीम है, ओवैसी सी टीम है बीजेपी की, और मोदी ने कहा कि हम किसी और टीम के हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी जिसको तेलंगाना की आवाम ने पसंद नहीं किया और अपने नापसंद का इजहार किया। और ये बहुत कई फैक्टर्स हैं कांग्रेस की इस बदतरीन शिकस्त के लिए, बीजेपी के खात्मे के लिए, तो एक उसमें कई वजूहात हैं जिसमें एक वजह यह है कि राहुल गांधी का इस तरह से ज़बान का इस्तेमाल करना, झूठे इल्ज़ाम लगाना जो उनके गुरूर और तकब्बुर का इजहार करता है। ओवैसी साहब, तेलंगाना को लेकर आप बहुत तफसील से बोलिए सर, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, पांच राज्यों की आज जो तस्वीर आई है हिंदी हार्टलैंड में, जैसे कांग्रेस की वापसी के तौर पर देखा जा रहा है, जानने वाले ये भी कह रहे हैं राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, आप सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, यकीनन इन इन स्टेट की आवाम ने बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को वोट दिया है, मगर ये तो विक्ट्री बाय डिफ़ॉल्ट है, वहाँ पर तो कोई अल्टरनेट है ही नहीं कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, और अगर इसका सहरा कांग्रेस लेती है तो फिर ये तो गलत बात होगी। इसलिए कि मेरा मानना यह है कि आज भी नरेंद्र मोदी एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल अपोनेंट है, और अगर दोबारा इनको बीजेपी को रोकना है 2019 में तो ये कांग्रेस की बस की बात नहीं है। इसीलिए इस देश को ज़रूरी है कि एक नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी पॉलिटिकल फॉर्मेशन आगे बढ़े, और यकीनन इस मुल्क में बाईपोलर पॉलिटिक्स नहीं चल सकती,
और ना ही किसी को खुदा ने इख्तियार दिया है कि अगर मोदी नहीं बनेगा तो राहुल बन जाएंगे, राहुल नहीं बनेगा तो कोई बीजेपी से बन जाएगा। तो ऐसे तो हिंदुस्तान हमारा देश नहीं चल सकता है। तो मैं बहुत करीब से चे चंद्रशेखर राव के गवर्नेंस मॉडल को देखा हूँ। इन्होंने वीकर सेक्शंस के लिए, ओबीसीज के लिए, हत्ता के अपर कास्ट ब्राह्मण्स के लिए भी उन्होंने यहाँ पर इतने काम किए, स्टेट पीसफुल रहा और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ तेलंगाना की रही। तो चंद्रशेखर राव ने सही फैसला सही वक्त पर लिया है और जैसा कि मैंने कहा है और फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग रियलाइज कर सकें। सर, राम और राम मंदिर की हम देखिए, आपको लग रहा है बीजेपी को भारी पड़ गई? नहीं, ये बीजेपी बीजेपी जो है फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुकी है। जहाँ कहीं भी बीजेपी के कोई नेता जाते हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर, वो नाम बदल देना चाहते हैं तो उनको जहाँ जाते हैं वही नाम बदल दो, और जहाँ पर अमित शाह जाते हैं वो बोलते हैं कि ये वो फुला कर देंगे, ऐसा कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे देश की जनता तंग आ चुकी है, मगर देश की जनता ये भी देख रही है कि कांग्रेस और बीजेपी से हटकर कोई अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बने, तभी जाकर हम उनको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि के चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो मुख्तलिफ इशूज़ पर अपनी पॉलिसीज़ को देश के सामने रखेंगे और वो मैं उन पर छोड़ता हूँ, जब वो आएगा तो आप खुद देखेंगे, देश की जनता महसूस करेगी कि हाँ, ये जो बात कर रहे हैं इसमें सब्सटेंस है और ये मुख्तलिफ है कांग्रेस और बीजेपी की पुरानी कहानियों से। ओवैसी साहब, मैं आपसे सवाल जो पूछ रही थी वो राम और राम मंदिर की अनदेखी जो बीजेपी द्वारा की गई, और साथ ही सवाल को एक कदम और आगे लेकर जा रही हूँ, मुस्लिम समाज के लिए इसमें क्या संदेश है? क्योंकि भाई हिंदुत्व की राह तो कांग्रेस ने भी पकड़ी। देखिए, अब अगर आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के इलेक्शन का देख लेंगे तो जो मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात तो ख़त्म ही होकर रह गई ना इन तीनों स्टेट में। बताइए कहाँ है रिप्रेजेंटेशन, किसने दिया, कितने जीत कर कामयाब हुए? और आपके सामने तेलंगाना है, तेलंगाना में तो कई मुस्लिम MLAs कामयाब हुए। तो ये ज़रूरी है कि सिर्फ ज़बानी खर्च ना हो कि हम सेकुलरिज्म में भरोसा रखते, फिर आप बताइए आपने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए क्या किया, तो नतीजा ज़ीरो है। तो ये चीज़ें हैं, और आपकी बात सही है कि बीजेपी अगर फिर से राम मंदिर को अपना मुद्दा बनाकर पार्लियामेंट इलेक्शन में जाएगी तो उनको और बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ओवैसी साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी के ब्रांड और साथ ही ये जो उनके खिलाफ एक फोर्स बनता दिखाई दे रहा है, कांग्रेस डेफिनेटली अब स्ट्रेंथन हुई है, जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस रही है, उसकी बार्गेनिंग एबिलिटी जो है वो बढ़ी है, आप इस महागठबंधन को आप कैसे देख रहे हो ओवैसी साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ खासतौर पर? देखिए, चंद्रा बाबू नायडू और ये महागठबंधन को तो बहुत बदतरीन शिकस्त हो गई तेलंगाना में, और चंद्रा बाबू नायडू इस गठबंधन के कन्वीनर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आइंदा लोकसभा के इलेक्शन में चंद्रा बाबू नायडू दो लोकसभा की सीट भी नहीं जीत पाएंगे आंध्रा में, इतना उनके खिलाफ आंध्रा की आवाम है, वो बेचैन है उनकी पार्टी को हराने के लिए। तो जो शख्स हारने वाला हो वो क्या ऑल्टरनेट पेश करेगा मोदी के खिलाफ? तो जो जीता है वो है KCR, और उसको समझने की जरूरत है। ओवैसी साहब, आप KCR साहब के बारे में बोल रहे हैं, आप उनसे मिलने के लिए भी गए थे, आपने कह दिया था कि वो जीत रहे हैं, पहले ही कह दिया था, आप पॉलिटिकल पिक्चर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं सर, ऐसे में मेरा सवाल ये, क्योंकि आप नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन अगर KCR साहब चले जाते हैं बीजेपी के साथ, NDA के साथ चले जाते हैं, उस स्थिति में आपके पास क्या है? देखिए मैडम, ये जो सवाल जो बार बार किया जाता है ना, वो इसलिए किया जाता है कि ये दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि इस देश को सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी चला सकती है। मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह से दे सकता हूँ कि तेलंगाना में बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स हार गए, हाँ उनका प्रेसिडेंट हार गया, उनके एक बहुत बड़े फ्लोर लीडर हार गए, बीजेपी के कई कैंडिडेट्स की जमानतें जब्त हो गई तेलंगाना में। ये किसने किया? कांग्रेस ने किया क्या? ये राहुल गांधी ने किया?
ये तो KCR ने किया, अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको। मगर ये कांग्रेस का जो सोच है ना, वो गुरूर में डूबी हुई है। वो ये कहते हैं कि भैया आप हमारे साथ आ जाओ तो हम आपको लिखकर सर्टिफिकेट दे देंगे कि आपके पूरे गुनाह हम माफ़ कर दिए और आप दूध के धुले हुए हो गए। हमको कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ये देश देख रहा है, ये देश समझ रहा है कि कौन सेक्युलर है और कौन BJP के एजेंडे को पॉलिटिकली अच्छे तरीके से मुकाबला कर पा करेगा। सर, आप BJP के एजेंडे से मुकाबला करने की बात यहां पर कर रहे हैं, एक स्टैट आपके लिए ऐसा कहा जा रहा है, 1% वोट बैंक जो है वो आपका वोट परसेंटेज जो है, वोट शेयर मुझे कहना चाहिए, वो कम हुआ है। सर, हाउ डू यू सी दैट, वो कैसे देखते हैं आप? देखिए मैडम, अब ये जो है ना, ये टेक्निकल आर्ग्यूमेंट है, जो जीता वो सिकंदर। मेरे साथ MLA थे, वो आ गए, मैंने 8 खड़ा किए, सेकेंड कैंडिडेट हमारा दूसरे नंबर पर चल रहा है। हमने TRS की तायीद की, 2/3 मेजॉरिटी TRS को तेलंगाना की आवाम ने दी है। तो अब आप हमारे अपोनेंट्स ये टेक्निकल आर्गूमेंट करते रहें, उनको मुबारकबाद देता हूँ, इसी में खुश रहें। अगर उनको रात में नींद आती है, क्योंकि अब वो तो बेचैन है, क्योंकि वो हार चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, तो अगर उनको लगता है कि 1% है तो ठीक है, आपको इसमें खुशी होती ले लीजिए। मगर जो रियलिटी है ज़मीन पर, यह है कि हम अपने कैंडिडेट्स को कामयाब करवा दिए हैं। तेलंगाना की आवाम ने दोबारा KCR को 2/3 मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बनाने का मौका दिया है, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। ओवैसी साहब, आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ गए BJP की तरफ से। और त्रिवेदी साहब, आपने सुना होगा सुधांशु जी क्या कह रहे थे ओवैसी साहब, वो कह रहे हैं तो BJP हताशा के शिकार है। ओवैसी साहब, मैं अप्रिशिएट करूंगी अगर आप 30 सेकंड्स के लिए रुक जाए, सर, सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए अगर आप रुक जाए। तो सुधांशु त्रिवेदी, एक तो वो कह रहे हैं अगर आप राम मंदिर पर गए तो आपको नुकसान होगा, दूसरी बात वो कह रहे हैं कि BJP इस समय हताशा की शिकार है। देखिए, जो लोग हमारे खिलाफ इस प्रकार की बात कर रहे थे, मैं बहुत साफ स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि 15 साल के बाद यदि हम ईमानदारी से देखें तो छत्तीसगढ़ में जरूर हम हारे हैं, और यह हमारे लिए चिंता की और विवेचना का विषय है। मध्य प्रदेश में इतने समय के बाद भी इतना नजदीकी मामला है। राजस्थान में आप याद करिए, जब चुनाव शुरू हुए थे तो हमें 20-22 सीटों की पार्टी आका जा रहा था, वहां से इतना बदलाव दिखाई पड़ा है। तो मेरा ये कहना है कि ये कहना कि पूरी तरीके से BJP हताशा, इस प्रकार की बात नहीं। हाँ, ये मैं ईमानदारी स्वीकार करता हूं कि हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप यह परिणाम नहीं है, परंतु उसी के साथ यह भी है कि तेलंगाना में जिस प्रकार से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की हार हुई है, यह दर्शाता है कि अलग अलग क्षेत्रों ने अलग अलग तरीके से काम किया। मिजोरम में आप देखें तो अब कांग्रेस की पराजय के बाद यह पहली स्थिति बन गई जब पूरा नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस की एक भी सरकार नहीं है। तो मेरा यह मानना है कि देश का जो मतदाता है वो सजग है, जागरूक है, और वो जानता है कि मुझे किस चुनाव में किस आधार पर वोट करना है। इसलिए मैं ओवैसी साहब की इस बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं। त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, एक और बड़ी बात जो कह रहे थे ओवैसी साहब, वो ये कह रहे थे, मैं शहजाद और तहसीन को भी लेकर आऊंगी यहाँ पर सर डिस्कशन में, वो तो जगह जगह गए, उन्होंने ग्राउंड रियलिटी देखी वहां पर, लेकिन एक और बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि नाम बदलने से नहीं जीते जाते हैं चुनाव। देखिए, ये भी बात मैं कह रहा हूं, ये नाम बदलना हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं था, नाम बदलना हमारे लिए सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा था। और एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमने नाम बदले नहीं हैं, नाम वापस किए हैं। जैसे सेंट पीटर्सबर्ग का नाम लेनिनग्राद हो गया था 1919-20 में, और उसके बाद 1998-99 में वापस सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, तो इसे बदलना नहीं कहते, इसे परावर्तन कहते हैं। वह विषय चुनावी हार जीत अथवा राजनीति से जुड़ा विषय नहीं था, वो भारत की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ विषय था। इसलिए उसको अगर ये बीच में लाना चाहते हैं तो मेरे विचार से हर आदमी अपना अपना इंटरप्रिटेशन देता है। कोई कहेगा कि नहीं साहब, किसान का मुद्दा, तो कोई नोटबंदी का मुद्दा लाता है, तो कोई हिंदुत्व का मुद्दा लाता है, कोई SC ST Act का मुद्दा लाता है। सभी विश्लेषक आज के दिन में स्वतंत्र हैं अपना अपना विश्लेषण करने के लिए, परंतु हम अपना निष्कर्ष सारे परिणाम आने के बाद और हमारे स्रोतों से जो सूचना आएगी उसका विश्लेषण करने के बाद ही निष्कर्ष निकालेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक और बात जो देखने को मिल रही है, एक और जो नतीजा, एक तरीके से कहना चाहिए, एक जो ऑब्जर्वेशन है, निष्कर्ष है, वो ये भी है कि CM की खैर नहीं और PM से बैर नहीं। तो जो ब्रांड मोदी है वो इंटेक्ट दिखाई दे रहा है BJP में, लेकिन उनके साथ कोई और दिखाई ही नहीं दे रहा पार्टी में। गुस्सा CM के खिलाफ है, PM के खिलाफ नहीं। देखिए, कई चुनाव एजेंसीज ने अपने सर्वेक्षण में और एग्जिट पोल में भी, एक दो प्रतिष्ठित एजेंसीज ने वो सर्वेक्षण में ये दिखाया था
कि जिन लोगों ने कांग्रेस के प्रत्याशियों और सीएम के संभावित उम्मीदवारों के बारे में पक्ष में बोला, उन्होंने भी कहा कि लोकसभा में हम नरेंद्र मोदी जी को वोट करेंगे। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि 2013 का चुनाव था, हम ये तीनों राज्य जीते थे और 2014 का लोकसभा जीते। 2008 में हम तीन में से दो राज्य जीते थे, 2009 का लोकसभा नहीं जीत पाए। 2003 में तो तीनों राज्य हम इतने प्रचंड तरीके से जीतते थे कि उससे प्रभावित होकर हमने अपना चुनाव 6 महीना आगे कर दिया था, पहले कर दिया था, और इसके बावजूद हमारे रिजल्ट प्रतिकूल रहे। तो मैं कह रहा हूं देश की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि उपचुनाव में किस आधार पर वोट करना है, राज्य के चुनाव में किस आधार पर वोट करना है और राष्ट्रीय चुनाव में किस आधार पर वोट करना है। ठीक सर, आप रहिए हमारे साथ, कई और खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने। लेकिन शहजाद, एक सवाल जो कई लोग उठा रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं, जो मैं ओवैसी साहब के साथ भी उठा रही थी, क्या राम और राम मंदिर की अनदेखी करना ये गुस्से की बड़ी वजह रहा? आप तारीख नहीं बताएंगे तो 2019 में सरकार कैसे बनाएंगे? बिल्कुल, और मैं सुधांशु जी से ये ज़रूर कहूँगा कि हालांकि जो कांटे की टक्कर रही मध्य प्रदेश में, अभी भी स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है और राजस्थान में भी बहुत करीब आए, जो लग नहीं रहा था शुरुआती दिनों में भाई वर्सेस भाई में जब हम गए थे राजस्थान में, तब बहुत ही अलग चित्र था और प्रधानमंत्री और अमित शाह के आने के बाद स्थिति बहुत बदली है। पर एक सवाल बरकरार है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने क्लोन हिंदुत्व का कार्ड खेल कर, वो क्लोन की तरह जैसे उन्होंने हिंदुत्व को अपनाया है, उससे उनको बड़ा फायदा हुआ है। तो सुधांशु जी, आपको अपनी गेम अप करनी पड़ेगी। अब यह सत्र शुरू हो रहा है, कल से आपको राम मंदिर पे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। लोगों के मन में था वो, हम लोग चाहे बातें विकास की हो रही थी पर राम मंदिर का इशू कनेक्ट कर रहा था, रेजोनेट कर रहा था। ठीक ठीक ठीक, सुधांशु जी जवाब देना चाह रहे हैं सर, जल्दी से संक्षेप में, क्योंकि और भी गेस्ट है फिर। जी, सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस जिस चीज को मीडिया ने और कुछ लोगों ने सॉफ्ट हिंदुत्व कहा, आज आप कांग्रेस के लोगों से पूछेंगे वो कहेंगे नहीं नहीं हमारा इससे मतलब नहीं था। तो दो में से एक बात है, या तो चुनाव समाप्त हुए और वह हिंदुत्व का चोला उतर गया, या फिर कांग्रेस ये मान ले कि यदि वो तथाकथित सॉफ्ट हिंदुत्व के अनुसार आगे बढ़ी है तो यह हमारी वैचारिक विजय है कि भारत की राजनीति में एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया। अब सारी की सारी राजनीति हिंदुत्व के उन मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई पड़ रही है। और जहां तक राम मंदिर की बात है तो यह हमारी हार्दिक इच्छा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि राम मंदिर बनेगा, जल्दी बनेगा और हम ही बनवाएंगे। ठीक है सर। अदिति जी, जी जी तहसीन, देखिए सुधांशु जी, हिंदुत्व टेकन बाय राहुल गांधी, देखिए ये एक अजीब किस्म की राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है कि शहजाद और सुधांशु जी और भाजपा सर्टिफिकेट देते राहुल गांधी को, उस राहुल गांधी को जिसके पिताजी ने राम मंदिर के ताले खोले थे, उस राहुल गांधी को जिसके पिताजी ने रामायण सीरियल डाला था, उस राहुल गांधी को जिसके पिताजी ने वहां पर शिलान्यास किया था, उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि भव्य राम मंदिर बने। बात सिर्फ राम मंदिर की नहीं है, आज लोग इसलिए आपसे नाराज है कि आप बात करते हो राम मंदिर की, आप थकते हो श्री राम के नाम पर लोगों की, ये भी राम के बच्चे हैं। आपने राम राज्य लाने का काम नहीं किया, जो कांग्रेस कहती है कि हम राम राज्य लाएंगे, महात्मा गांधी ने भी कहा और आज राहुल गांधी भी कह रहे हैं। लक्ष्मी जी, राम के बच्चे और रोम के बच्चे, असली राम के बच्चे कौन? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 70 साल के हमारे जितने भी सरकार आए और जिन्होंने, आपने कहा सही बात है कि ताले खुलवाए राजू गांधी ने और सब कुछ किए, तो मंदिर क्यों नहीं बनाए? आज सबसे बड़ी बात है, आखिरी शहीद हो गए देश के। अरे मुझे बोल लेने, शहीद हो गए, आप जब बोलते तो मैं सुनती, तो आप हमारी बात सुन लेते। बता दो, तो जब ये बात सुप्रीम कोर्ट तक गई तो ये सनातनी जितने भी हैं, हिंदू जो अपने आप को कहते हैं, जो वो राम के बच्चे भी वहां बैठे हैं और ये राम के भी बच्चे हैं, आज हमें शर्म आती है कि राम का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया। और कपिल सिब्बल जो आपका ही व्यक्ति है वो हमारे खिलाफ लड़ रहा है और वो हिंदू अपने आप को बड़े गर्व से कहते हैं, ठीक है, मतलब दोहरी, वही शशि थरूर कुछ कहते हैं, बट यू ऑल प्लेड, आप लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से अपना हिंदुत्व का कार्ड खेला जो आपको उसका बेनिफिट मिला। और एक कि राम कभी नहीं पैदा भी नहीं हुआ, राम से करिश्मा हुआ है सारा। कि आज के जो चुनावी नतीजे हैं ना, वो इस बात का जो है ये प्रूफ है कि लोगों को भाई भीड़ तंत्र नहीं चाहिए, उनको लोकतंत्र चाहिए। राम मंदिर मानना भीड़ तंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, भीड़ तंत्र है। माय गॉड, ये भीड़ तंत्र है, आप इनकी लिंचिंग मत करो, आप इनको बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए, आप लिंचिंग मत कीजिए, इनको बोलने दीजिए। आज गांधी ने भी कहा कि राम राज होना चाहिए,
आप सबकी आवाज सुनी जाती, आप इनकी आवाज आने दीजिए लक्ष्मी जी, मत रोकिए। लेकिन क्या ये फैक्ट नहीं है कि हिंदुत्व के क्लोन से कांग्रेस ने हिंदी हार्टलैंड में ये करिश्मा किया है? राहुल गांधी जी का जो डेडिकेशन वो रंग लाया है, मंदिर मस्जिद रंग लाया, ठीक है। राहुल गांधी जी एक राहुल इधर सब जो है मानवता रखते हैं, कोई यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब मानवता में जवाब पहली बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि ताला कोर्ट ने खुलवाया था या सरकार ने खुलवाया था। दूसरी बात, अगर हिंदुत्व व्यक्तिगत आस्था का विषय है तो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा फोटो दिखाकर राहुल गांधी की, जिसमें कि वो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहने हुए हैं, ये कहना कि जनेऊधारी हिंदू है, किसने किया था? कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, व्यक्तिगत आस्था का विषय नहीं था। अरे भाई कमाल की बात, क्या कांग्रेस के मीडिया चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो फोटो दिखा के शब्द प्रयोग किया? आपने हिंदुओं को लिंचर बोला, अभी बोला भीड़ तंत्र कर देंगे हिंदू जो राम मंदिर चाहते हैं, आप हिंदू तालिबान हिंदू आतंकवाद, ये आपकी संभावना है? आप सारा सा राम मंदिर बना रहे हैं, 2024 तक राम मंदिर जो लगातार 40-30 में कही जा रही है उसी बात को मैं उठा रही हूँ। कहा जा रहा है कि कांग्रेस इज न्यू बीजेपी, कुल मिलाकर हिंदुत्व को लेकर ये लाइन है, कांग्रेस इज न्यू बीजेपी एंड बीजेपी इज न्यू कांग्रेस, और उसी का नतीजा हम इलेक्शन में देख रहे हैं। 2019 में हिंदू वोट बैंक से ही बेड़ा पार होगा, और हम लगातार क्लोन हिंदुत्व को लेकर यहां पर चर्चा कर रहे हैं, राम और राम मंदिर पर बीजेपी की चुप्पी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्या उसे लेकर ये बड़ा मैंडेट है, क्या 2019 से पहले बीजेपी को राम मंदिर पर लौटना होगा, ये वो तमाम सवाल जिन्हें हम लगातार उठा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, आपको बता दें मध्य प्रदेश में 100 से ज्यादा सीटों पर कई राउंड की गिनती अभी बाकी है, पहले ही आप वहां पर कांटे की टक्कर देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में 109 विधानसभा सीटों पर मतगणना पूरी हुई है, रात 10 से 11 बजे तक ये कहा जा रहा है कि ये मतगणना पूरी होने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर अब आप एक बात समझ लीजिए, जो पूरी तस्वीर जो इस समय आप अपने स्क्रीन के टॉप पर देख पा रहे हैं, ये करीब आधी रात तक या फिर रात के 12 बजे तक आप लगा लीजिए कि ये नतीजों में तब्दील होगी, और तब साफ हो पाएगा कि क्या ये हंग असेंबली है या फिर किसी पार्टी को ये फिनिश लाइन जो है उसको पार कर पाएगी। तो ये बड़ी तस्वीर इस समय, और ये तस्वीर देखिए इस समय आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप बजरंग बली को देख रहे हैं, कांग्रेस के साथ भगवान की तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। तस्वीर में आप देखिए एक तरफ बजरंग बली है, ये सियासत का नया चेहरा है कि कांग्रेस ने रोम के बाद राम को जिस तरीके से अपनाया है, ये वाकई काबिले तारीफ है। लक्ष्मी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप इसके धर्म की चीजों को करीबी से देखती हैं, क्या ये चुनावी हिंदुत्व वाला मोड जनता में बिक रहा है, इसलिए शायद आज इनकी अच्छी परफॉर्मेंस है? चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इन्होंने राम को पॉलिटिकल फिगर बना दिया, जो मैंने प्रयागराज से बोला था कि हाय मेरे राम, तो इन्होंने पॉलिटिकल फिगर बना दिया इस देश में, और दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। और हमने तालकटोरा स्टेडियम में जब धर्मादेश सबने निकाला था, सारा संत समिति एक साथ इकट्ठा हुआ था,
हम लोगों ने यही किया था, कहा था जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और आज मुझे आपसे एक सवाल पूछना था, इसको आगे ले जाते हुए राहुल गांधी को आप कहेंगी अपने अखाड़े की ओर से कि राम मंदिर में सपोर्ट कर दो? अब तो उनको करना ही पड़ेगा, जब राम का मुद्दा करके मध्य प्रदेश में राम पथ बना रहे हैं और चित्रकूट का पूरा रास्ता बना रहे हैं राम के नाम पे, तो उन्हें राम मंदिर पे सुधांशु त्रिवेदी जी के पास जाना है। सुधांशु जी, जो सवाल मैं अपने सभी पैनलिस्ट से पूछ रही थी उसी सवाल के साथ आपके पास भी लॉटरी, मैं नहीं जानती आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन सवाल बहुत सीधा सा, क्या हिंदुत्व की क्लोनिंग करके कांग्रेस पार्टी ने ये हिंदी हार्टलैंड जो है उसमें इनरोड्स बनाए हैं? आपके हिसाब से आपकी पार्टी कैसे एनालाइज कर रही है रिजल्ट्स? देखिए, यद्यपि आज के दिन कांग्रेस को बढ़त मिली है और परिणाम हमारे अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं विनम्रता से उनकी बढ़त को स्वीकार करते हुए भी मैं एक बात मगर कहना चाहूंगा, जहां तक भगवान राम का प्रश्न है, तो कार सेवकों के हत्यारे मुलायम सिंह का समर्थन देकर सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री के रूप में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा ये तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा कहने का दावा करने वाले, 2007 में राम सेतु पर भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले, और आज भी जिनकी पार्टी के नेता वकील का चोला ओढ़कर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड का पक्ष रखते हैं, वो यदि आकर यहाँ पर भगवान राम की फोटो लगा के खड़े हों तो जो हिंदी की कहावत है ना कि बगल में छुरी और मुंह में राम, वो ज्यादा व्यवहारिक नजर आता है। और राहुल जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था, कांग्रेस का पूरा चरित्र और अतीत वह उचित नजर नहीं आता। राहुल जी, आपकी पार्टी मैनिफेस्टो में 15 सालों से राम जी है, अभी तक मंदिर क्यों नहीं बना? ये मुद्दा अगर आपके लिए इतना ही अहम है तो अभी तक फाइनली वो मंदिर बना क्यों नहीं? एंड अगर कोई बार बार मंदिर जाता है, अलग अलग जगहों पे जाता है, और आप ये क्यों नहीं नोटिस करते कि उन्होंने किसानों का जितना डिस्ट्रेस है, उन्होंने कहा है किसानों का जो डिस्ट्रेस है, उन्होंने एरियर्स की माफी मांगी है, कर्जा माफी के लिए जो मूव हुआ है उसमें जो है इनका हाथ है, कांग्रेस का जो सपोर्ट है, आप वो क्यों नहीं नोटिस करते हैं? आप क्यों नहीं श्रेय इस बात को देते हैं कि डेवलपमेंट, विकास, प्रगति और भी चीजें इन्वॉल्व है? सारा आप एक राम मंदिर और एक राम भगवान जी का मुद्दा बना के आप, एज लक्ष्मी जी राइटली सेड, आप राम मंदिर को, यू कांट मेक राम द सेंट्रल फोकस ऑफ द डिबेट। जी, मैं दोनों बातों का उत्तर देता हूँ। जहाँ तक मंदिर जाना उनकी आस्था का विषय है तो हम भी ये बात मानते हैं, मगर हर चुनाव में मंदिर जाते दिखते हैं, जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उस दिन मंदिर जाते नहीं दिखे। आज इतना परिणाम उनके अनुकूल आया, बताइए, दिन भर कैमरा उनको फॉलो कर रहा होगा, किसी ने देखा मंदिर जाते हुए? मैं कह रहा हूं ना, जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जाते नहीं देखा, आज किसी ने देखा ना मंदिर जाते? नहीं देखा। वो चुनाव के समय होता, कर्नाटक के चुनाव के समय मठों में जाते दिखेंगे, गुजरात के चुनाव के समय दिखेंगे और राजस्थान के चुनाव के समय जाके दिखेंगे। राजस्थान चुनाव में हिंदू दिखाई बताया जाएगा और राजस्थान के चुनाव में गोत्र बताया जाएगा, वो विषय अपनी जगह है। अब रही बात किसान की और किसान का कर्जा माफ करने की, तो ये तो दुख की बात है। देखिए, ये तो बड़े दुख की बात है कि 60-70 सालों में हर 5-7 साल में किसान का कर्जा ही माफ होता रहता है। अरे किसान को स्ट्रेंथन भी तो करिए। अगर 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर किसान को ऋण देना शुरू किया तो सबसे पहले कर्नाटक की हमारी सरकार ने, उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने, चुनाव परिणाम कुछ भी रहा वो अलग बात है। जो किसान समय पे कर्जा चुका देता है उसको भी 50,000 रुपए का अगर हमने फायदा दिया तो राजस्थान की हमारी सरकार में, आप किसान, यदि गांवों के अंदर बिजली, सड़क और पानी को हमने देने का प्रयास, इस तरह से आप किसानों को स्ट्रेंथन कर रहे थे। और दूसरा सवाल आपसे बड़ा स्पष्ट सवाल है साहब, जो निकिता ने भी पूछा, आज आपकी बहुमत उत्तर प्रदेश में, आज आपकी बहुमत केंद्र में, आप एक प्राइवेट मेंबर बिल क्यों ला रहे? आप कानून लगाते, राम मंदिर क्यों नहीं बनाते? इसके लिए आपको राहुल गांधी की जरूरत क्यों पड़ेगी? राज्यसभा में भी आपकी बहुमत है, अब ले आए कानून, आप राम के नाम पे लोगों को क्यों ठग रहे हो? ये सवाल है। तहसीन जी, आपने बहुत सही बात कही है और यही देखिए, ठगने की बात साफ है। आज तक कांग्रेस ने न नरसिम्हा राव के उस बयान से के लिए खेद व्यक्त किया है कि हम मस्जिद बनवाएंगे, और वो आज क्या कह रहे हैं हमसे, आप अध्यादेश कब लाएंगे? ये बदले वक्त की पहचान होती है। ये है कि राजनीति का पैराडाइम शिफ्ट हो गया। जो कसमें खाते थे हम तथाकथित मस्जिद बनवाएंगे, आज मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं अध्यादेश कब लाएंगे। दूसरे मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने बतौर चीफ मिनिस्टर कहा था, आज उनके भी बेटे कहते हैं हम भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाएंगे। आज शिया वक्फ बोर्ड भी कहता है कि वह जमीन हिंदुओं को दे देनी चाहिए। पिछले साल 300 मुस्लिम कार सेवक गए थे। अब हम इकबाल अंसारी ने भी कह दिया, मगर अभी भी कपिल सिब्बल बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील बने हुए हैं। इसलिए परिस्थितियां उत्तरोत्तर राम मंदिर के पक्ष में होती चली जा रही हैं, और जैसे भगवान राम ने सबको साथ में लेकर धर्म की स्थापना की थी, वैसे ही समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर
भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त होगा। राहुल, मेरा सवाल आपसे है, आप एक आपने हमेशा हिंदू मुद्दों पर काम किया, सबरीमाला पे भी आप काम कर रहे हैं, आपकी अपेक्षा नहीं है चाहे उनकी बहुमत हो ना हो, राहुल गांधी अगर अपने आप को सच्चा हिंदू कहते हैं, चुनावी हिंदू नहीं है, तो जय श्री राम कहकर, मैं मुस्लिम हूँ, मैं अल्लाह अकबर कहता हूँ, वो जय श्री राम कहकर क्यों नहीं वकालत करते कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बने? उनको कोर्ट की, पार्लियामेंट के लॉ की क्यों जरूरत है? वकालत जरूर करना चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने भी, महात्मा गांधी ने भी रामराज के बारे में कहा है। महात्मा गांधी एक सच्चा राम भक्त था। राम टेम्पल, शबरीमला जैसे सभी मुद्दों पे, हिंदू वाले मुद्दों में दोनों पार्टीज को आना चाहिए। विशिष्ट तौर पे कांग्रेस ने, यूपीए ने जो एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में, वो बहुत गलत था। एटलीस्ट राहुल गांधी शुड कम आउट इन द ओपन दैट एफिडेविट वाज रॉन्ग। हमारे हिसाब से गलत हुआ, वो एफिडेविट कभी नहीं देना चाहिए था, मे बी लेफ्टिस्ट इन्फ्लुएंस में आकर गया। ऐसे कई ओपन एडमिशंस अगर वो कहे तो बहुत अच्छा होगा। राहुल गांधी मंदिर जाते हैं वो तो हिंदुत्व का टेस्ट नहीं है, पर कम से कम श्री राम मंदिर के लिए, देखिए मैं मक्का मदीना के लिए हूँ, वो बना है मक्का मदीना में काबा, हम लोग का वेटिकन में पोप बैठते हैं, तो राम जी अयोध्या में नहीं, उनका होंगे तो वही, तो मैं भी कह रही हूँ वही होंगे। आपने मंदिर क्यों नहीं बनाया? के सॉफ्ट हिंदुत्व को स्वीकारते हैं ना आप, सरकार आपकी सुप्रीम कोर्ट तक क्यों बात लेके गए? मंदिर क्यों नहीं बनाया इतने सालों से? पार्टी मैनिफेस्टो में डाल के बैठे हुए हैं, आगे बढ़िए ना। पिक्चर बनाने वाले व्यक्ति के लिए जो वकील 20-20 लाख रुपए लेते हैं एक बार कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होने के लिए, वो उनके लिए फ्री, कपिल सिब्बल जी फ्री जाते हैं, उनके पास इतना वक्त है कि वो हिंदू होके और हिंदुओं के प्रति इतना बड़ा घात करते हैं। और इसके बाद यही दुख की बात है, देखिए दोनों जिम्मेदार है, चार साल के राज में, 4.5 साल के राज में मंदिर बन जाना चाहिए था। सुधांशु जी, मैं वापस उसी सवाल पर लौट रही हूँ सर, जिस पर मुझे क्लियर आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन आप अगर स्क्रीन पर देख पा रहे हो, और आपके पास तो खैर बहरहाल पूरी पिक्चर है जो कि स्क्रीन पर है भी नहीं, आपके पास ग्राउंड रिपोर्ट्स भी है सर, आपको चिंता है? कहीं ना कहीं इसमें क्लियर मैसेज है, जो कांग्रेस पार्टी का सॉफ्ट हिंदुत्व है उसे जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है, क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है? और इसमें क्या आपके लिए भी ये मैसेज है कि आपको भगवान राम और राम मंदिर पर ही वापस आना पड़ेगा, जो कि अब कांग्रेस पार्टी करती दिखाई दे रही है? राम की बात करिए, भले ही राम मंदिर पर राहुल गांधी थैंक यू कहते हो। देखिए, हमारे लिए भगवान राम का मंदिर ना कोई राजनीतिक विषय है ना चुनावी विषय है, यह भारत की राष्ट्रीय अस्मिता, संस्कृति और पहचान का विषय है। महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता कहलाते हैं, उनका भी राजनीतिक दर्शन राम राज्य था, उनका प्रतिदिन का भजन रघुपति राघव राजा राम था, उनका अंतिम शब्द हे राम था। परंतु अफसोस की बात यह है कि ये दुनिया का एकमात्र देश है जहां भगवान की जन्मभूमि भी टाइटल सूट के रूप में लड़ी जा रही है, और वह एक ऐसा टाइटल सूट है जो देश के इतिहास में 150 साल से चला आ रहा है। दुनिया में और कहीं भगवान तो छोड़िए, किसी बादशाह की जो है जमीन वो भी टाइटल सूट के रूप में नहीं लड़ी जाती है, राजा की, मगर यहां पे चला आ रहा है, और उसके बाद भी तरह तरह के वाद विवाद हो रहे हैं। परंतु आप निश्चिंत रहिए कि भगवान राम की जन्मभूमि का मार्ग प्रशस्त करने का काम हर माध्यम से, चाहे जनता के माध्यम से हुआ हो या कोर्ट के माध्यम से हुआ हो, हमारी सरकारों ने अपनी तरफ से पूरी भूमिका निभाई है। मंदिर बनवाना संतों का और राम जन्मभूमि न्यास का काम है, हमारा काम है मार्ग प्रशस्त करना, और हम मार्ग में आने वाले। सुधांशु जी, मैं आपको एक ही मिनट के लिए रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है अभी अभी, मध्य प्रदेश में स्थिति फिर से बदलने की स्थिति आ गई है, बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर है, बीजेपी 111 सीटों पर आगे दिख रही है और कांग्रेस 110 पर, तो जो स्थिति बनी हुई थी अब तक, कांग्रेस आगे चल रही थी काफी देर तक, वो स्थिति फिर से बदल गई है, और लेट नाइट ट्विस्ट हो सकता है क्या? क्या मैं मिडनाइट ड्रामा, सुधांशु जी अक्सर देखते हैं, सुधांशु जी सुधांशु जी ये मिडनाइट ड्रामा या मिडनाइट ट्विस्ट, ये लेट इवनिंग ट्विस्ट हो रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? क्या आप लोग लास्ट मिनट में फिर से 100 मीटर की दौड़ लगा के आप लोग कवर अप कर रहे हैं क्या? ऐसा लग रहा है आपको मध्य प्रदेश अब भी चांस है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, जो बहुत रामायण सीरियल आता था उसमें गीत था, इसमें लाइन थी, ये बाजी अभी तक न जीती न हारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। देखते हैं क्या होता है अंतिम परिणाम, परंतु एक बात तो बहुत स्पष्ट है, परिणाम अंत में
इस जो बहुत ही नजदीकी दौड़ चल रही है 2020 क्रिकेट की तरह हमारे पक्ष में आए या विरोध में आए, कम से कम कांग्रेस का वह दावा कि कोई वो प्रचंड लहर हमारे खिलाफ क्रिएट करने में सफल हो गए या कोई सरकार के विरुद्ध एक बहुत बड़ा जनमत खड़ा करने में सफल हो गए, वो दावा तो पूरी तरीके से निष्फल होता दिख रहा है। मध्य प्रदेश का परिणाम दो चार सीटों से चाहे उनके पक्ष में जाए अंततः या हमारे पक्ष में जाए। सवाल सुधांशु जी बार बार ये उठ रहा है कि ये कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए उनको रिवॉर्ड दिया गया है या आप राम मंदिर पे दिली डाली कर रहे हैं, आप लोग कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे उसके लिए आक्रोश है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? सॉफ्ट हिंदुत्व का ये अप्रूवल है या आपके? मैं बिल्कुल स्पष्ट लड़खड़ाने का देता हूं। यदि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व जिसको तथाकथित सॉफ्ट हिंदुत्व की अवधारणा को नकारती है और फिर घुमाकर अन्य मुद्दों की तरफ ले जाती है तो इसका मतलब साफ हो गया कि उनका हिंदुत्व एक प्रकार का ढोंग और छलावरण था जो केवल चुनावों तक सीमित था। नंबर दो, यदि दूसरा तर्क वो मानती है कि नहीं वो छलावरण नहीं था, उसने हकीकत में किया है, तो कांग्रेस को मान लेना चाहिए कि चुनावी जय पराजय अलग, परंतु यह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की विजय हो गई और अब उनको आकर वह सारे तथ्य स्वीकार करने पड़े कि मैंने कहा जो 30 साल पहले जो पार्टी कार सेवकों के हत्यारों का समर्थन देने और तथाकथित मस्जिद बनाने की बात कहती थी वह आज ये मानने को तैयार हो गई कि वह विचार गलत थे, उन्हें छोड़े और इस तरफ आने की बात करें। दो में से एक चीज तो कांग्रेस को माननी पड़ेगी। तहसीन, राहुल गांधी के टेंपल रन की बात कर ले थोड़ा सा। आप अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रहा था 16 अक्टूबर को गए ग्वालियर फोर्ट में, फिर 15 अक्टूबर को गए माँ पीताम्बरा के पास, फिर माँ कालेश्वर मंदिर, फिर जगत पिता ब्रह्मा टेम्पल। तो टेम्पल रन तो चुनावी सीजन में वो करते हैं, लेकिन अब उनके उस सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है। जब भी चुनाव आते हैं तो हमारे वजीर आजम भी मस्जिद आजकल जाते हैं, चाहे गुजरात हो मध्य प्रदेश हो, तो क्या सॉफ्ट मुसलमान बनने की कोशिश करें हमारे वजीर आजम? और राहुल गांधी को एक बात कर लूँ, और जितना राहुल गांधी को मैं जानता हूँ कि वो इन चीजों में श्रद्धा रखते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो कांग्रेस पार्टी थी आज सुधांशु जी कहते हैं कि ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, सबसे पहले ऑर्डिनेंस लाने का काम पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था वहां पर राम मंदिर बनाने के लिए, जिसका विपक्ष भाजपा ने कहा था आज तो आज सवाल ये है कि सुधांशु जी या राहुल जी या बता दे, आप मुझे बता दो राहुल, सबरीमाला के इश्यू पर कांग्रेस ने आपका साथ दिया कि नहीं दिया? क्या अटॉर्नी जनरल उतरे थे नीचे? यही भाजपा के अटॉर्नी जनरल आए थे ना आपकी मदद करने? तो कौन फेक हिंदू है, कौन हिंदुओं को थकता है, आप बता दीजिए। नहीं नहीं, एक सेकंड, पहले सारा एक कमेंट में आपका ले लूं, फिर निकिता। सारा वो बहुत देर से कुछ बोली नहीं, सारा जी मैं ये कह रही हूँ भाई, मंदिर मस्जिद का थोड़ी देर छोड़ दीजिए, आप थोड़े अहम मुद्दे पे थोड़ा सोचिए, ठीक है? अरे की भावना आपको अहम ही नहीं लगती? अरे सुनिए हलीम, 100 करोड़ लोग हैं देश में। अरे आप लिंचिंग कर रहे हैं मेरे, आप लिंचिंग कर रहे हैं, आप सुनिए ना, थोड़ा धीरज रखिए, उनको हम इंडोनेशिया, अरे इंडोनेशिया में मानते हैं, उनको बोलिए थोड़ा धीरज रखे, आदित्य जी सायरा शाह नहीं मानती इंडोनेशिया का हलीम मानते हैं, आप थोड़ा धीरज रखे, थोड़ा धीरज रखें, थोड़ा धीरज रखें, बताइए। सीताराम येचुरी के नाम में भी राम है भाई, बेरोजगारी समस्या, सीताराम येचुरी है वो, बेरोजगारी, आप उसको भी बोलेंगे बेरोजगारी समस्या है या नहीं? जरूर है। है नहीं है? जरूर है। अच्छा अब बताइए कि किसानों की समस्या है या नहीं है, ठीक है? आप बताइए आर्थिक जो हमारे हालात है देश के, आर्थिक अवस्था वो समस्या है या नहीं? तो अब बताइए जो युवक ने जो निकल गए थे फील्ड में, जो कैंपेनिंग चली है ग्रामों में हर एक दल में, तो बताइए अच्छा काम किया या नहीं करा? सायरा जी सवाल आपसे ये है, आपको सॉफ्ट हिंदू तो अच्छा लगा राहुल का? सीताराम एक्चुअली बोले सांप्रदायिकता के साथ समझौता है, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा वो बोलिए ना, आप इतना लंबा चौड़ा मंदिर गया और मोदी जी गए ना किसानों के घर, वो तो शादी में दिख रहे हैं। कहना चाहूंगी प्लीज एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, सिर्फ एक सेकंड, 20 सेकंड्स फ्लैट। हिंदुत्व में मैं एक चीज कहना चाहूंगी, देखिए आप अपना धर्म देखिए, मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं कट्टर हिंदू नहीं हूँ, लेकिन मैं कट्टर आपको हिंदू क्या है? वही बात है, ये कट्टर हिंदू क्या है? हिंदू आतंकवादी, हिंदू तालिबानी, कट्टर हिंदू ये क्या होता है? कट्टर मुसलमान कौन है भाई? सुनिए तो, हम कट्टर मुसलमान है, फनाटिक का वर्ड सुना है? एक सेकंड, आपको बोलने दीजिए, महिला की आवाज को मत दबाइए, एक महिला को बोलने दीजिए, बोलिए 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 बोलिए। आप कट्टर की बात करते हैं, द वर्ड फनाटिक, राइट?
एज लॉन्ग एज आई प्रैक्टिस माय रिलीजन, एज लॉन्ग एज मैं अपने मंदिरों में जाती हूँ, मैं अपने स्थानों में जाती हूँ, बिना किसी और के बीच में झगड़े कर रहे हैं, क्योंकि हम ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, पल पल की खबर उन तक पहुंचाना जरूरी है। इस समय आपके स्क्रीन पर राहुल गांधी, देखिए आप अपने स्क्रीन पर राहुल गांधी को देख रहे हैं। दरअसल पहुंचे हैं कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में, एक साल पूरा हुआ है और एक साल पूरा हुआ है इन्हें अध्यक्ष बने हुए, तो अहम दिन इनके लिए, आज के दिन अनाउंसमेंट की गई थी इन्हें अध्यक्ष बन इनके अध्यक्ष बनने की, ठीक है निकिता जल्दी से पूरा कीजिए। ऑलराइट, सो मैं जो आपको कह रही थी कि अगर आप अपना धर्म अपने तरीके से निभाएं बिना किसी और, लक्ष्मी जी आई एम श्योर आप भी इस बात में अग्री करेंगी, अगर आप अपना धर्म अपने तरीके से करें बिना किसी और को लड़वाया, किसी और को नुकसान पहुंचाए, तो वो आप एक हिंदू हैं, आप एक फनाटिक नहीं हैं। ठीक, दिस इज द डिफरेंस। देखिए निकिता, निकिता जो सवाल आ रहा है, ईश्वर आप आप पूरी एक मिनट कह रहे, क्या मैं जवाब दे सकता हूं? जो यहां नहीं है उनकी बात मत कीजिए। जो अभी एक सेकंड तस्वीरें जो दिख रही है, एक सेकंड सायरा जी तस्वीरें कुछ और दिखा रही है। तस्वीरें जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राहुल गांधी, ये 24 अकबर रोड में प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया सेंटर है कांग्रेस पार्टी का। राहुल गांधी अभी आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनको दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, शाम को कर रहे हैं, और वो अभी बोलेंगे, लाइव बोलेंगे और चुनावों के बारे में ही बोलेंगे, तो उनकी बातों पे शायद हम जाएंगे। पर लक्ष्मी जी आप जवाब दे रही थी कुछ। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, ये और कोई मंदिर का मामला नहीं है, चाहे बीजेपी हो या इट्स बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम जी। और हम नहीं कह रहे कि अजमेर को तोड़ के राम मंदिर बनाए या कहीं कोई दूसरा दरगाह या मस्जिद तोड़ के बनाए, जो हमारी चीज थी हमें दे दे, बिल्कुल। हाँ, और उसके बाद में सुनिए एक मिनट संविधान और न्यायालय जी, आपने अभी कहा सायरा जी कि राम मंदिर का वाला जब किसान का मुद्दा सही है और सारे डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, सब मुद्दा है, तो राम का मुद्दा भी है। जब हजारों ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी भी कांटे की टक्कर चल रही है, फाइनल नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश है, हर्ष की लहर है। बगैर किसी विलंब के मैं अनुरोध करूंगा, इस जीत के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जिन्होंने नेतृत्व किया, मार्गदर्शन किया, जो इस जीत के त्रेता हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी से कि वो अपनी बात आपको कहेंगे। इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, जनता से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। जिन स्टेट्स में, तेलंगाना में, मिजोरम में हमारी हार हुई, वहाँ जो चुनाव जीते हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। बट ये जीत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, किसानों की है, युवाओं की है, छोटे दुकानदारों की है। ये जो आवाज़ उठी है, अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है कि इस आवाज़ को हम अच्छी तरह सुने और इन स्टेट्स में जो विजन दिया जाना चाहिए वो हम दे पाएं, तो इस पर हम अब काम शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हमने हराया है, और जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जनता के लिए काम किया। ज़रूर हमारी लड़ाई उनके साथ रही, विपक्ष की लड़ाई हुई, हमने उनको हराया, मगर मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, राजस्थान के लिए किया, काम किया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और अब बदलाव का समय है, तो अब हम उस काम को अब आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। सो आई'd लाइक टू थैंक ऑल द पीपल हु हैव सपोर्टेड द कांग्रेस पार्टी इन द स्टेट्स वेयर वी वन एंड इन द स्टेट्स वेयर वी हैव लॉस्ट। I think this is the victory of the Congress worker who has, in difficult circumstances, he has stood up and fought for our ideology. So I am
वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड हर, और मैं उनको कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से दिल से कहना चाहता हूँ कि आपने जो मेहनत की, मुश्किल हालात में जो आपने मेहनत की, उसका मैं दिल से आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ. The two states where we lost, I would like to congratulate the parties that won, Mizoram and Telangana. We now have a lot of work to do in Madhya Pradesh. Well, hopefully we win Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. The youth of the states, the farmers, shopkeepers, small business owners, all of them have supported us. And we have a commitment to them, and we are going to work to that, towards that commitment. We are going to provide the states with a vision, and we are going to provide the states with a government that they can be proud of. In these states, there have been BJP chief ministers, so I would like to thank them for the work that they have done over the last over their terms. And we are going to take over and try and do an excellent job. I think there are serious questions being asked. There are serious questions being asked about the future of our youngsters. The central question there is, how does our country, our government intend to give jobs to millions and millions of Indian youngsters? There is a sense among the youth that that promise of the Prime Minister, rozgar ka jo vaida kiya tha, wo toot gaya hai, usko pura nahi kiya hai. That same feeling is there among the farmers. There is a sense of discontentment, inability to see the future, inability to understand how they are going to survive and thrive in the field of agriculture. And I think that has had a big impact. We are going to work in these states and try and ensure that we can give a vision, give a future. Certainly, it is pretty clear that there is a feeling among people in our country that what was committed by Mr. Modi, he has not been able to deliver. I mean, that's clear cut. And that is something that we felt throughout the campaign very strongly. People were coming up to us and saying that. So yes, that question does arise. I think I've been saying it for some time. I think with a resurgent Congress party in these states and in other states where the BJP is ruling and a combined opposition, it's going to become very difficult for the Prime Minister and for the BJP to win the election. I mean, that is pretty clear. And this is a clear message to the Prime Minister and to the BJP that the country is not happy with what they are doing. तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, बड़ा दिन उनके लिए, एक साल पूरा किया अध्यक्ष चुने जाने का आज उन्होंने, और उन्हें जीत का तोहफा मिला है. हालांकि वो मध्य प्रदेश में भी विक्ट्री इस समय क्लेम कर रहे हैं, वहां पर अभी भी कांटे की टक्कर है, लेकिन कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया. साथ ही मिजोरम और तेलंगाना में जिन विरोधियों ने जीत दर्ज की उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया, और साथ ही ये कहा बड़ी जिम्मेदारी भविष्य में हमारे कंधे पर है. तो कई बड़ी बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई हैं. एक बार फिर से याद दिला दूं, मध्य प्रदेश में अभी भी कांटे की टक्कर चल रही है. तो सवाल शायद कल पूछा जाए, अगर ये बदल जाए तस्वीर, कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा जल्दी में तो नहीं कर ली.